बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के ऑफिस 2010 के ट्यूटोरियल में सेशन नंबर 6 में आप सबको खुश आमदी। आज हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 किस तरह से की जाती है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यूजिंग फॉन्ट्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू अप्लाई फॉन्ट स्टाइल size and color to the text, explain use of the word art, describe the procedures to insert word art in a word document, explain the find and replace features, explain use of format painter, explain formatting and indenting paragraphs, explain managing documents using page layout. Microsoft 2010 provides several options to format a text. जो बेसिकली आपका एक टेक्स्ट होता है ना, आपने लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, अब उसको किस, अब आपके सामने ये आपकी जो पावर पॉइंट की मैंने कर रहा हूं इसमें भी हमने फॉर्मेटिंग की हुई है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर इंट्रोडक्शन जो है ये हेडिंग बनी हुई है, इसका कलर जो है वो रेड कलर में है। अब इस तरीके से इस ये बुलेट्स है, अब बुलेट्स मुख्तलिफ स्टाइल्स के आ रहे हैं, ये इंडेंट है, ये सब कैसे होगा। Microsoft Word 2000 provides several options for format text and present the content in an attractive and easy way to read. इसका एक ही मकसद है कि हमारे साथ ऐसे हों जिसमें हम उनको रीड कर सकें और उसको लिए हमारी विजिबिलिटी अच्छी हो सके। यूजर कैन फॉर्मेट एलिमेंट सच एज करेक्टर, पैराग्राफ, सिलेक्शन, पेजेस। अ करेक्टर रेफर्स टू अ सिंगल अल्फाबेट, यानी आप एक लफ्ज को भी चेंज करना चाहें तो एक लफ्ज भी चेंज हो सकता है। नंबर एनी सिंबल इफ इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट यूजर्स कैन फॉर्मेट इन द वर्ड, कैन बी इंडिविजुअली फॉर्मेटेड टू प्रेजेंट, छोटा सा छोटा जो आप कर सकते हैं वो एक वर्ड है। पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कैन फॉर्मेटेड इन डिफरेंट स्टाइल्स, यूजर्स कैन सिलेक्ट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, यूजर्स कैन कस्टमाइज द पेज बाय अप्लाइंग मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स एंड पेज लाइक दिस। Formatting helps in better communication of information. Users can design the exact look and feel of the document by using formatting. Certain type of documents such as technical papers वगैरह। अब सबसे पहले छोड़ें, मैं आपको बताता हूँ ये font है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम आपको font के अंदर क्या बता रहे हैं कि एक तो font का style होता है, font का size होता है, font की height होती है, यानी वो बड़ा छोटा कितना होगा। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से मुराद होती है कि अगर आपने ऊपर लिखना है लफज के ऊपर तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, लफज के नीचे लिखना है तो वो सबस्क्रिप्ट। अंडरलाइन कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है और फॉन्ट कलर कैसे करना है। प्रोवाइड अ स्पेसिफिक करेक्टर टू अ करेक्टर आर अवेलेबल, फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन प्रोवाइड कॉमनली लाइक दिस। अब सबसे पहले हम आते हैं और इसके साथ इंप्लीमेंट करते हैं। आप वर्ड ओपन कर लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए, ये मैंने एक लफज लिया। अब इसको देखिएगा कि मैंने इसको पहले सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए, आपने सबसे पहले से सिलेक्ट कर लेना है, फिर आल्ट प्रेस करना है, एच प्रेस करना है, बोल्ड के लिए आप देखें क्या आ रहा है वन, जब आप उसी को प्रेस करेंगे तो वो खत्म भी हो जाएगा और दोबारा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये की याद रखेंगे, ये देखेंगे बोल्ड हो गया। ये पूरा का पूरा ये जो रिबन है इसके अंदर ये सारा कौन सा है, फॉन्ट, ठीक है। अब इसका मैं इसके अंदर बदलना चाहता हूं, आल्ट प्रेस करें, एच प्रेस करें। अब आप देखें मुझे, मैंने फॉन्ट के अंदर जाना है तो मैं कौन सा लफ्ज प्रेस करूंगा, एफ एफ। अब देखें इसमें मुख्तलिफ आ रहे, ये बदलते जाएंगे, मैं इसको इस तरह कर लेता हूं ताकि दोबारा देखें, आल्ट एच एफ एफ, ये देखें ये फिर बड़ा हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह करें एच, और मैंने इसको वो करना है इसको लेफ्ट पे करना है, तो ये अब मैं इसके अंदर प्रेस करूंगा आल्ट कंट्रोल,
Alt HFF। अब देखें कि मैं आ गया हूं, देखें ये साथ साथ में बदल रहा है, पीछे देखें जरा ये लफ्ज बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे। जी सर। डिजाइन देखें इसका बदल रहा है लिखाई का, ये कमांड आप इसको देखें, बोल्ड से बी हो जाएगा। ये बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, नजर आ रहे हैं आपको, ये बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट्स। इसी तरीके से कलर करने के लिए फिर सिलेक्ट करें Alt H, अब कलर का टैग है FC, इसमें आके जौन सा आप कलर करेंगे वैसा कलर आ जाएगा। फिर Alt H करें, 2 करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, Alt H 3 करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। अब जिस तरह की आपने लाइंस लगानी है वैसी की वैसी लाइंस आ सकती हैं, आ गई हैं। अब इसका साइज बड़ा करना है, Alt H और FS, ये देखें ये साइज बड़ा हो गया। आपने इसी तरह से ये सारी कमांड्स करनी है, अंडरलाइन करें तो 3। जी इसी तरीके से आपने अंडरलाइन हो गया, इटैलिक करना हो फॉर एग्जाम्पल, ये शॉर्ट को की को मैंने सिलेक्ट किया Alt H और फिर मैं 2 प्रेस कर दूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। आपने देखा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, Alt+H+2। फॉर इटैलिक। इसी तरीके से आप टैब करते जाएं, अपनी कीज को बढ़ाते जाएं। फॉर सुपरस्क्रिप्ट देखें, सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स लिखा ना आपने, एक्स की पावर 2 लिखना चाहते हैं लेकिन ये तो साथ आ जाता है, इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें और फिर Alt प्रेस करें, H प्रेस करें और सुपरस्क्रिप्ट के लिए देखें कि आपके पास कौन सा है। ये देखें 5, ये सबस्क्रिप्ट के लिए 5 है और अगला जो एलिमेंट है इसी को सिलेक्ट करने दें Alt H और इसको 6 प्रेस करेंगे, ऊपर चला गया X2। देखें सर एकदम दोबारा बताइए X2। अब देखें अब वापस नॉर्मल फॉर्म में आपने आना है, इसकी की आपके पास है जी Alt+H+6। इसी तरह फॉर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मुराद आपकी वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू योटा करना चाहते हैं आई, आपने आई को प्रेस करने के लिए पहले सिलेक्ट करें Alt H और फिर 5 प्रेस कर दें, ये योटा लिखा जाएगा, नीचे चला जाएगा Alt+H+5। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि लफ्ज के बीच में आपने काट देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लुक दिस टेक्स्ट, अब मैं ये इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहा हूं Alt H और फिर मैं इसको 4 दूंगा, ये देखिए लाइन काट चुकी है Alt+H+4। जी इतने आपने एक ही चीज पे कई फॉर्मेटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, जैसे कलर भी हो रहा है अंडरलाइन भी हो रहा है मुख्तलिफ है, ठीक है ना। आप चाहते हो जैसे यहां पे मैंने ये देखिए मैं एक का कलर भी ले रहा हूं, मैंने इसके लाइन भी अंडरलाइन की है Alt H, पहले मैं इसका फॉन्ट बदल रहा हूं, इसको पहले सिलेक्ट करना है, बगैर सिलेक्ट किए आप कुछ भी नहीं परफॉर्म करेंगे इसका। देखिए मैंने इसके ऊपर कितनी चीजें लगाता जा रहा हूं, लाइक जैसे ये देखिएगा ये बैक लॉक फॉर सबस्क्रिप्ट,
इसका मैंने साइज छोटा कर रहा हूं। अच्छा, साइज छोटा करने की एक कमांड और करें, मैं आपको बता रहा हूं, ये हॉट की है, इंक्रीज साइज। आपने कंट्रोल प्रेस करके ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, ये वाले निशान, ये प्रेस करना है। ये देखें ब्रैकेट, ये देखें प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके, डिक्रीज के लिए, ये इंक्रीज के लिए है, और डिक्रीज के लिए देखें, डिक्रीज साइज, कंट्रोल प्लस ये, जी दोनों आपको पता चल गई। आप इसको चाहें तो ये डिक्रीज कर सकते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट करके देखें। अच्छा, अब मैं आपसे यही कह रहा था कि ये आपने लगा रहे थे, इसका आप कलर भी चेंज कर दें, Alt H F C इसका कलर्स। अब इस पे तीन चार फॉर्मेटिंग लग गई हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी खत्म हो जाए तो Alt H E कर दें, वो सारी पहली ओरिजिनल हालत में ले आएगा, कंट्रोल जी से तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने सारी ऊपर 10 फॉर्मेटिंग टेक्निक्स भी लगाई हैं तो डायरेक्ट सारी खत्म करना चाहते हैं, Alt H E, Alt H E, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, Alt प्लस एच प्लस ई, टैब से आप मूव करें, इसका साइज छोटा कर लें, आप देखेंगे ऊपर साइज भी बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं, ये लें जितना आपने करना हो आप उतना कर सकते हैं। अब देखें यहां पे टेक्स्ट इफेक्ट से, टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के लिए पहले लिख लें टेक्स्ट इफेक्ट्स, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर रहे हैं, उसी तरह से जो कीज आपको बताई हैं, Alt H और एफ टी, ये बहुत सारे आपके सामने नजर आ गए, देखेंगे कि आपके सामने टेक्स्ट इफेक्ट्स आ गए, यू कैन सी इट एंड अदर स्टाइल। Alt H फिर एफ टी, बार बार प्रैक्टिस करें, जिस जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा ये उसके मुताबिक स्टाइल बनाएगा, लुक एंड अदर, Alt H F T, Alt H F T, ये देखें ये एक और स्टाइल आ गया, Alt प्लस H प्लस F T। अब देखें हमने सबसे ऊपर बनाई हुई थी ना अपनी फाइल का ऑफिस 2010, इस तरीके से देखेंगे आप बेहतर से बेहतर। अब इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं Alt H F T, अब मेरे सामने ये देखिएगा और सारे आ गए, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको, ये नीचे आ गया, Alt H F T, ये देखें ये आपके सामने आ गया ना, ये उसने उसी आर्ट के ऊपर एक और चीज कर दी। एक सेक्शन बना सकते हैं फॉर्मेटिंग हेडिंग्स, अब फॉर एग्जांपल इसी तरीके से कलर सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल ई करके इसको सेंटर में करें, Alt एच एफ टी करके इसकी आ जाए मुख्तलिफ स्टाइल्स में। अब देखें इसकी आउटलाइंस है, इसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ नजर आ रही है, ये देखें कलर्स आ गए,
अच्छा आप कलर डिसाइड करेंगे वो कलर आ जाएगा। Alt H FT में वापस आए, आप आउटलाइन की बात कर रहे हैं, अब नो आउटलाइन है, मोर आउटलाइन कलर्स है, वेट है, आप वेट से मुराद है कि कितना बड़ी जो उसके बाहर की बाउंड्रीज है ना वो लेनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल आप जो करेंगे देखेंगे कैसे उसे बना दिया। सहारे आपने इतनी बड़ी बाउंड्री कर दी, ये देखें जरा, तो उतना थिकनेस से लिखेगा ना वो, छोटा सा तो समझ नहीं आ रही थी। अब आप इसकी फिर Alt H F T आप कहते हैं नहीं जी मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, देख रहे हैं इसके अंदर, अब आपको बड़े में करके समझ आएगी। देखें शेड आ रहा है, इसमें शेडिंग आती है ना नीचे है, अब देखेंगे शेडो है, इसके अंदर शेडो नीचे आ रहा है ना फॉर्मेटिंग हेडिंग का। अब आपने इसका कलर बदलना हो तो Alt H F T, अब शेडो में आ जाए, ये नजर आ रहा है, ये शेडो से मुराद है कि शेडो किस तरह से आपका आएगा, राइट पे, लेफ्ट पे, इनर पे, आउटर पे, शेडो ऑप्शन मुख्तलिफ किस्म के, ये देखें, ये देखें इसमें शेडो कैसे आ रहा है। अब ये सारे एक एक करके नहीं दिखाए जा सकते, आप उनको खुद अपने हाथ से इंप्लीमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहां पे जो शेडो वो और तरीके से दिखा रहा है, यहां पे आपका और तरीके से दिखा रहा है, तो यू कैन चूज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग हेडिंग हेडिंग। इसको इसी तरीके से सिलेक्ट करें, Alt H F T, यहां पे एक और शेडिंग ले लें, ये ले लेते हैं Alt H F T, यहां शेडो में आ जाए, शेडो के हर एक स्टाइल को अपना के देखें ये किस तरह से शेडो हमें देता है, ये फिल्टर करता है, ये देखें ये शेडो और तरह से, ये शेडो और तरह से, ये शेडो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये पीछे है, किस तरह से शेडो देना है, ये आपका उसे हवा में मुअल्लक है, मुख्तलिफ शेडोज हैं। Alt H F T, ये जुबानी आपको याद हो जानी चाहिए। इसका साइज बड़ा करें, शेडो के बाद आता है रिफ्लेक्शन, देखें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखें वैसे ही रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये शेडो और चीज होती है, रिफ्लेक्शन और चीज होती है, शेडो में साया पड़ता है, रिफ्लेक्ट बिल्कुल जैसे शीशे के सामने नहीं होते आप, ये वैसे है, ये देखें यहां पे आप देखेंगे कि और तरह से साया है, यहां पे आपके सामने और रिफ्लेक्शन। Alt H F T, रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो है, ग्लो में देखेंगे इसके इर्द गिर्द ग्लो आ जाता है, ये ग्लो है, ग्लो भी हो रहा है और साथ में उसका आपके रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इसमें मुख्तलिफ कलर हैं, ग्लो ऑप्शंस हैं, ग्लो कितना होना चाहिए, Alt Alt H F T, ग्लो के अंदर ग्लो ऑप्शंस, मोर ग्लो, ग्लो ऑप्शन में आ जाएंगे, नजर आ रहा है आपको। अब यहां पे Alt Alt C करें कलर के अंदर, साइज इसका बड़ा करना है, छोटा करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, प्रीसेट देख लें, बने बनाइए, नजर आ रहे हैं आपको प्रीसेट है, बने बनाए साइज वगैरह, लेकिन अगर आपने अपना कोई स्टाइल, अपना कोई कलर या अपना कोई साइज करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। ओके कर देखें, अब आप डिफरेंट हो गया ना, जाहिर है कि आप उसके हिसाब से
प्रेजेंटेशन की तरफ देखते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हम वापस आते हैं, इसको हम देखते हैं। हमने ये सारे किए, जैसे ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, मैंने आपको साइज बताया ना इसका, कंट्रोल प्लस है, चेंज केस अपर में करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग है, रिमूव, उसकी क्या की बताई थी मैंने, आल्ट एच ई, ठीक है। अब ये आपके पास आइकॉन आता है फ्रॉम द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फॉन्ट ग्रुप द होम टैब, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट लिस्ट। अब यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप यहां पे आके अपने ब्राउजर में, अब सॉरी ये नजर आ रहा है आपको किनारे पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें वही चीजें जो बाहर पड़ी हैं, फॉन्ट पड़ा हुआ है आपका, आपका साइज पड़ा हुआ है, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, ये बाहर ही पड़ी हुई है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं, सुपर स्क्रिप्ट बाहर पड़ा है, सबस्क्रिप्ट बाहर पड़ा है, कुछ चीजें नहीं पड़ी हुई, वो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आल्ट ई करेंगे फैक्ट्स, तो ये वही वाला खुल जाएगा कि नो फिल शेडो, ये भी हमने खोला था ना इसी चीज को, तो ये टेक्स्ट फिल है कि टेक्स्ट आपका किस किस्म का आएगा, वो आपने कलर्स हैं, सॉलिड लेना है, ग्रेडियंट करना है, वो उस तरीके से। तो यहां से आपने करना है, आप प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आ जाए, देखें कि हमने वही पे कर चुके हैं ये सारी चीजें। आप साइज ले सकते हैं, आपने, मैंने अभी आपको बताया कि फॉन्ट का कलर बताने के लिए एफ एफ था, आल्ट प्लस एच प्लस एफ एफ फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट कलर के लिए आल्ट एच एफ सी था, इसी तरीके सारे मैंने आपको बताया, स्केल, स्पेसिंग, पोजिशन, कर्निंग। अब हम आते हैं इसके अंदर वर्ड आर्ट की तरफ। अब ये वर्ड आर्ट वगैरह के लिए एनेबल यूजर टू इंसर्ट टेक्स्ट विद डिफरेंट ग्राफिक इफेक्ट्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जैसे कि अगर आपने अपने करने हैं। अब ये देखिए हमने यही काम कर रहे थे वर्ड आर्ट का, आ जाए वर्ड आर्ट आपको दिखाते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूं वर्ड आर्ट, नजर आ रहा है आपको, अब इसके अंदर वर्ड आर्ट के लिए आपने आल्ट प्रेस करना है, एन प्रेस करना है, ठीक है, और फिर डब्ल्यू प्रेस करना है, ये वर्ड आर्ट आ जाएगा आपके सामने। ये देखें यहां पे बहुत सारे वर्ड के आर्ट्स हैं, आप जब वर्ड आर्ट करेंगे तो ये वर्ड आर्ट आपको ले आएगा। आ चुका है वर्ड आर्ट, एक डब्बा सा बन जाता है। अब इसके अंदर यहां पे सबसे पहले शेप स्टाइल है, आप किस किस्म की शेप लेना चाहते हैं, नजर आ रही है आपको मुख्तलिफ शेप्स हैं डब्बे के बाहर। आप देखिए मैंने क्या जी कि मुझे ये ब्लैक चाहिए, ये देखिए ये ब्लैक में आपको इस तरह से नजर आ रहा है। इसको आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसे करके मूव कर सकते हैं। अच्छा वर्ड आर्ट हो गया, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इसको चेंज करना है तो फिर वापस आपने आए आल्ट एन फिर आपने डब्ल्यू में। इसी तरीके से और भी यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं वर्ड आर्ट, ये देखें कि एक और वर्ड आर्ट आ गया, ठीक है जी। अगर आपने बॉक्स स्टाइल बदलना है, वंस अगेन मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, उनके कलर्स पड़े हुए हैं, अदर थीम फील्ड्स अगर आपने कोई और लेनी है, ये देखिए इसमें ये आ जाएगी। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई पिक्चर लगानी है, शॉर्ट की देखिए ना, आल्ट प्रेस करें, आपके पास सारी सारी फॉर्मेट जेडी आ गया। जेडी के बाद आप सारे के सारे इसके अंदर जाना हो तो ये शॉर्ट कीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसका बैकग्राउंड चेंज एसएस है, सबसे पहले आपने वंस अगेन इन स्टेप्स को फॉलो कर ले, सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं लिखा, आल्ट एन प्रेस करें फिर डब्ल्यू प्रेस करें, आ जाएगा एक वर्ड आर्ट ले लें, ये वर्ड आर्ट आ गया, ये आपसे कहता है योर टेक्स्ट हियर सैफुल्ला डार, ठीक है जी, ये मेरा नाम आ गया। अब आपने आल्ट जे डी करना है तो आप इसके बीच में आ गए, आपने इसके पीछे जो है इस तरह से कोई कलर करना चाहिए, ये लें ये वर्ड आर्ट आपको होगा, इसको सिलेक्ट कर लें आल्ट जे डी। अब आप इसका कलर तब्दील करना चाहते थे एस एफ, अब आप देखें कौन सा आप कलर लेके आएंगे,
नो फिल का मतलब नो फिल होगा, देखिए कोई बैकग्राउंड पे फिल नहीं है, ठीक है। मोर फिल कलर्स में आप मोर में चले जाएं, आपको जो कलर पसंद आ रहा है आप वैसा कर लें, आपका बैकग्राउंड में वो आ जाएगा। आल्ट जे डी एस एफ, अगर आपने ग्रेडियंट कलर लगाना है, ये देखें कि कलर की मिक्सिंग उसी के साथ ही है, हल्का गहरा ज्यादा कम, जिस तरह के आप शेड लेंगे। आपको नहीं पसंद आ रहे मोर ग्रेडियंट्स में चले जाएं, आप अपना कलर्स यहां से फिक्स कर लें, ब्लू में आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, यहां से आप उसका कलर जो है वो तब्दील कर दें। यहां पर आपको उसके डायरेक्शन प्री सेट कलर्स मिल जाएंगे आपके, ये देखें कि आपके सामने एक नया सर वर्ड आर्ट को आप ऐड कर लीजिए। अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, जरा प्रेजेंटेशन के भी देखिए, ये वर्ड आर्ट आ गया ना, ये लेके आना आ गया आपको। इसके बाद इसमें कलर थीम कर सकते हैं, टेक्स्ट फिल वगैरह, ये आपको मैंने बताया शेडो का, शेडो लेके आना आता है ना, आर्ट एच एफ टी, और फिर उसके बाद आपने उसमें से सिलेक्ट करना है। तो मुख्तलिफ किस्म के इसमें शेडो के कलर हैं, आपने शेडो लेना है। और अब हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की, अगर आपने कोई चीज फाइंड आउट करनी हो तो कंट्रोल एफ है इसकी की, वर्ड आर्ट आपका इस तरह नहीं डिलीट होगा, पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे फिर आपका डिलीट होगा। कंट्रोल एफ, देखें कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे आप सामने एक डब्बा खुल जाएगा नेविगेशन का। मैं यहाँ पे देखें, मैं लिखना चाहता हूँ इटैलिक है कि कहीं पे कि नहीं, आप देखेंगे कि साथ साथ में उसने लफज कर दिया हाईलाइट, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करना हो, और ये आपको कहां पे मिलेगा फाइंड का, आपके पास वो सारा, कंट्रोल एफ कीजिए, टू फाइंड एनी एलिमेंट, कंट्रोल एफ करो, एस्केप करो, अब कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल प्रेस रखो, आ गया वो, लिखो यहां पे हेडिंग, ये दिखा दिया उसने तुम्हें स्क्रीन पे। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी आज के लिए इतना काफी है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी यहीं से।